आप जो है तो इन औरतों को इतने बदजुबानी कर रहे हैं इनके साथ में, और इनको इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि बस ये लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार कर लेना। करे कि अगर तुम्हारे यहाँ घर में मैयत भी हो गई तो तुमको पैसे देना पड़ेगा। सर सर बोलते तुम्हारे घर में मौत हो या कुछ भी हो, तुमने पैसे उठाए, पैसे भरना पड़ेंगे। और मैं ये लॉकडाउन के बाद से फंसी हुई घाट में, आधा पैसे वो ले लेते हैं, आधे वो लेते, हमारे घाट वाले हमेशा मेरा आधा घाट लेते, मेरे को पूरा घाट देते ही नहीं। और सर मैंने खाती गोलियां, कंजनवाड़ी गोलियां खाती मैं, अब ये महीने में 3 गोलियां बढ़ गए। अब मेरे घर में बच्चे संभालने वाला कोई भी नहीं है, ना हमको भाई है, ना हमको बाप है, कोई भी नहीं है। घाट वाला सर तुम्हारा दुलाई सर, माँ का दुलाई कि तुमको घाट दिया तो। अभी हमारे शोर से काम हो रहा नहीं, रॉड है पैर में, तो हम दो घर पे काम पे जाते और हमारा घर चलता। अभी हम गढ़ देने को हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ अभी हमारे पास भरने के आस है ही नहीं, तो बड़े हमको अभी कैसे भी करके ला के दो। उनके घर पे जाते हैं हम, उनकी झक मार के आते हैं, ऐसे छुट्टी गाली बात करे, झक मारेंगे बोले तुम्हारी हम, ये वैभव सर बोलते हैं। और ये वैभव कौन है, माधवचोद की औलाद, जो हमारी बहन को बोल रहा है कि झकमारी कर रहे, कुछ भी करो पैसे दो, अगर नहीं रिकवरी होती है तो तुम उसको गाली गलौज करो। वैसा हम बोलते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस ये है कि अगर एक औरत का दामाद, अगर एक औरत अगर विधवा हो गई है, उसका मर्डर हो गया है, तो उसको ये बोलो कि तुम्हारे घर में बहुत होंगी, हमको लेना देना नहीं, पैसे भरो। बाजी बैठे हुए बोल रहे मैं आज फांसी लूंगी, तुम्हारी औरत ने इतना टॉर्चर कर दी मेरे को, कि बचत गट से बचिए। लेकिन उसके बाद भी देखा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका औरतों का, खवातीन का, बचत गट की तरफ रागिब हो रहा है। और औरंगाबाद शहर और जहां जहां तक कि औरंगाबाद अपडेट चैनल का ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया को खुद संभाले, अपने एरिया के अंदर जायजा ले। तुम्हारा नाम क्या है? डेली का रोज का हो गया। आप जो है तो इन औरतों को इतने बदजुबानी कर रहे हैं इनके साथ में, और इनको इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि बस ये लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार कर लेना। अभी यहाँ पर 3 औरतें ऐसी बैठी हुई है जो बोल रहे हमारे पास में अब ये रिकवरी इतनी हार्ड कर रहे कि हम जहर खा लिए या फांसी लेके मर जाएंगे। नहीं तो हमने 8 दिन से किसको कॉल करे कि हमने करे क्या नहीं करे, इन्होंने करते क्या नहीं तुम्हारे को टॉर्चर? इनके बच्ची क्या, इनके बच्ची, इनकी सुनो, इनकी बच्ची अभी फिल वक्त में जो है तो बेवा हुई, इनके दामाद का इंतकाल हुआ, और आपके तरफ से ये कहा जाता है कि मौता भी होगी तो हमको कोई लेना देना नहीं है, घर में मौता भी पड़ेगी रही तो हमको लेना देना नहीं है, जो है तो बचत गट के पैसे भरो। बोले क्या नहीं बोले बताओ उनको? बोले मौता भी हुई थी उस दिन, मौता भी हुई थी मेरे जवाई की, तो मैंने पैसे भेजी सर। उस दिन मौता भी हुई थी बच्ची की, तो मैंने पैसे वहां से भेजी, जानने से मेरे मेरे जवाई का इंतकाल हुआ, तो वहां से टॉर्चर करे कि अगर तुम्हारे यहाँ घर में मैयत भी हो गई तो तुमको पैसे देना पड़ेगा, तो मैंने वहां से किसी लोगों से लेके मैंने दी वहां से पैसे, ऐसा बोले मेरे को। यहाँ पे क्या तकलीफ है तुम्हारे? तो वही ना पैसे मांग रहे ना, बोले घर दो, अगर कल बोते है तो कल सर बहुत टॉर्चर करेंगे, इसके लिए हमको आज आना पड़ा। हमें बच्ची से टॉर्चर कर रहे हो, बच्ची के नाम पे घर टूटा था, अब उसका एडमिशन ले रहे तो घर कहाँ से भरेंगे? कितने का बजट कर दिए थे उन्होंने? 35,000 का दिए थे। हाँ। तो उसमें से उन्होंने 3 मांगे थे तो उनके अकाउंट में चले गए थे, तो पैसे हमको मिले भी नहीं। मतलब जब 3,000 रुपए का घर उठाए, 3,000 रुपए तो ये घर उठाई, तो इसमें नहीं दी मैंने, क्योंकि मेरे जवाई का इंतकाल होगा तो मैं कहाँ से दूंगी, नहीं दी। तो वो लेते मतलब 30,000 का 3,000 रुपए लेते और 50,000 का दिए तो 5,000 रुपए लेते, ऐसा बोली करके वो पैसे लेते। रोने की जरूरत नहीं है, घबरा मत। 5,000 रुपए कमीशन लेने के बाद में बचत गट का जो हफ्ता वो अलग, वो हमको अलग देना पड़ता। कितने हफ्ते भरना पड़ते तुमको ऐसे? 2 साल का रहता, 1 साल का रहता। अच्छा जी, इसके अंदर ब्याज कितना जा रहा तुम्हारा? क्या मालूम, हमको नहीं मालूम, मेरे को कुछ नहीं मालूम ब्याज कितना जा रहा, क्या जा रहा। अभी वो हफ्ते भी नहीं देखी मैंने, हमारे बहन के पास सब है वो। 1 साल के 52 हफ्ते, 1 साल के 52 हफ्ते, 1 साल भरे, 1 साल भरे, 1 साल तक भरे हमने 52 हफ्ते। हाँ, कितना महीना भरने का? 1 साल का वो 860 रुपए हफ्ता है। हाँ, कितने उठाए आपके पैसे टोटल? वो 40 का था तो हमारे 35 आए थे, 35। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास? आधार, पैन कार्ड, पासबुक। और अगर नहीं भरे पैसे तो? फिर वो नहीं भरे तो फिर वो तुम उनको नहीं दिए तो फिर वो सर को बोलते, सर से बात कराते, फिर सर सर बोलते तुम्हारे घर में मौत हो या कुछ भी हो, तुमने पैसे उठाए, पैसे भरना पड़ेंगे, तुम्हारी डेट हो गई तो पैसे माफ है, हम मरे तो हमको माफ है। जैसे शोहर की डेट हो गई तो हमारे से बोलते, सबसे उठते रहते 30 के 3। हाँ, 30 के 3 और अपना 50 का भी लिए तो 5।
पांच नहीं दिए तो चार तो देने पड़ता। वो सर के पास अलग ब्याज है, इंश्योरेंस कटता है, कागजों के कटते, पिन के पिन जाते, उधर उधर भी कटते। ये लोन हमको तीन दिन में मिल जाता है, तीन दिन में। फर्स्ट टाइम 30 मिलते, 30 में 3 दिन के चले जाते, फर्स्ट टाइम 30 मिलते फिर साल भरो, फिर दूसरे बार 40 देते। 27 नहीं मिलते सर आप लोगों को, हाँ 2000 का इंश्योरेंस कट जाता है, कागजों के कट जाते, 25 ये साल भर भरना है आप लोग, पूरे भरना है, पूरे 35 भरना है, आते 40-45 तक जाता है, 52 हफ्ते रहते 8 से लगा 8 से 60 से लगा, हिसाब कितना ब्याज आ रहा था हमारा। हमने 70,000 रूपए लिए हुए, हमारा आधा वैभव सर ने लिए हुए, वैभव सर आधा भरते आधा हम भरते, उसमें से 3 हमने उनको दिए, हमारे सर घट के सर हमारे 30 आपके नाम पे पैसे क्यों उठाए आधा, हमें को शुरू से घट पूरा मिला ही नहीं सर, शुरू से मेरे को आधा मिले भाई, और मैं ये लॉकडाउन के बाद से फंसी हुई घट में, आधा पैसे वो ले लेते, आधे वो लेते हमारे घाट वाले, हमेशा मेरा आधा घट लेते, मेरे को पूरा घट देते नहीं, हमेशा से लॉकडाउन के बाद से फंसी मैं घाट में। अपने मालूम, वो बोलते तुम पूरा नहीं भरेंगे रावे बाजी, तुम आधा ही भरेंगे, आधा वो उठा ले, हाँ आधा वो ले लेते घाट वाले, आधा उन्होंने भरते आधा, हाँ वो भरते बराबर, हम भरते आधा, क्यों लेते लेकिन क्या मालूम, वो बोलते तुम पूरा नहीं भरेंगे, तुमने पूछा नहीं कभी, नहीं पूछी, वो बोलते तुम पूरा भर नहीं सकते रावे बाजी, आधा हमको दो, पूरा आज तक मेरे को दिया ही नहीं उन्होंने, और पैसे आए ना अकाउंट में तो अपने साथ चलते निकालने के वास्ते, पैसे निकालते पहले उनका, उनको पैसे ले लेते उन्होंने, बाद में अपनों को देते सर। मैंने खाती गोलिया, कंजनवाड़ी गोलिया खाती में, अब ये महीने में 3 गोलियां बढ़ गए, अब मेरे घर में बच्चों संभालने वाला कोई भी नहीं है, ना हमको भाई है ना हमको बाप है, कोई भी नहीं है, अब हमारे शौहर जो वो हेल्पर है मिस्त्री काम के हाथ करते हैं, अब उन्होंने बोलते मैं भरूंगा नहीं, तो साल भर से मैं काम को जा रही, काम करके घाटा फेर रही, मैं फेर रही। तबसुम मैडम का घाट नहीं हुआ, तबसुम मैडम शाम में उनके शौहर को लेके आ जाते, गंदे गंदे गालियां गलौज करते, डायरेक्ट क्या बोलते मेरी माँ तुम्हारे तुम्हारा दूल्हा है क्या, तुम्हारे माँ का दूल्हा है, अपनी माँ तक पहुंच जाते उन्होंने घाट वाला सर, तुम्हारा दूल्हा है तो माँ का दूल्हा है, कि तुमको घाट दिया तो उन्हें, अपने माँ को भी गाला गालो सुनने मिलते गंदे गंदे, फिर हमने नहीं बताया, हमारे अम्मी घर पे चल जाते घाट के वास्ते, और हमारे मामू वाचे हमको चिल्लाते भाई तेरे बच्चे भाई सर हमारे घर पे क्यों आ रहे करके, फिर हमारे वहां हमको चेते बैठे कुछ हो जाएगा तो मैं तुमको पकड़ूंगी, फिर बच्चे कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो। तुम्हारे किसके पास है, पिंकी का किसके पास है, इनका, इनका दोनों की तरफ है, नहीं तकलीफ तो नहीं है, पर घाट का टाइम आया तो टैड मारती कि सर के पास घर के पैसे ला के दो, ना तुम्हारे ड्यू में नाम डाल देंगे ना तो सर को घर पे भेजेंगे, सर को घर पे भेजेंगे, हाँ सर को घर पे भेजेंगे, कितने सर हैं सबको भेजना है, बस हमारे दो दो साल तक भर दिए, 24 महीने का तक कहेंगे तो 26 महीने का है, तो उसमें से एक 18 महीने हो गए और एक 18 महीने हो गए, 8-8 महीने रह गए दो बस खत्म। बाजी बोलो तुम्हारी क्या तकलीफ है, हमारे दवाखाने के वास्ते हमने तब्बो मैडम के वहां से मतलब गट लिए थे, अभी हमारे शोर से काम हो रहा नहीं, रॉड है पैर में, तो हम दो घर पे काम पे जाते और हमारा घर चलता, अभी हम गट देने को हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो फोना कर रहे, बोले तुम्हारा ड्यू में नाम डाल देंगे, फोन पैसे दे दो, मैडम आके बैठे हुए, सर आके बैठे हुए, पैसे अब भी छोना मेरे को, ऐसा फोन पे मतलब धमकी दे, आज हफ्ता था हमारा तो बोले दो पैसे, हमारे शोहर गए हुए बाहर, हम उनको सुबह से बोले कि हम तुमको घट देते ला के आए, बस तो हम अब भरने के आस है ही नहीं, तो बोले हमको अभी कैसे भी करके ला के दो, सुबह से ये मैडम सुबह से फोन लगा रहे, इसके बदली वैभव सर है, इसके बदली वैभव सर ने बोले तुम हफ्ता नहीं भरते तो हम तुम्हारे घर पे आते, जो हफ्ते है तो उनके घर पे जाते हैं, हम उनकी झक मार के आते हैं, ऐसे छुट्टी गाली बात करे झक मारेंगे बोले तुम्हारी, हम ये वैभव सर बोलते है, हाँ इससे पहले हमने झगड़े हुए हमारे उनके, ये तो वो हट गए। अच्छा मैडम आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए आप यहाँ पे, उनके बदली लेडीज़ रुक जाइए आप, मैडम सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप HDFC बैंक से रिकवरी के लिए बचत गट के ताल्लुक से बाईजीपुरे के अंदर आए, 24 नंबर गली के अंदर, ठीक है, बराबर है, क्या नाम है आपका, करिश्मा राजू शेख, इससे पहले वो तबस्सुम नाम की लेडी से जो इनको टॉर्चर कर रही, मैंने उसको फोन लगाया, मेरे पास में वीडियो के अंदर भी रिकॉर्डिंग है, वो जो फोन से बात किया उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग है, और ये CCTV फुटेज के अंदर भी रिकॉर्डिंग है, वो खुद करिश्मा बन के बात कर ली थी मेरे से। दूसरी बात ये है कि तुमने उसको कौन सा पावर दिया है वो लोगों को घर पे जाके टॉर्चर कर रही, तो तुम्हारा उसका क्या संबंध है बैंक से, उसका कुछ करार होगा है क्या, फिर वो कैसे बीच में एजेंटगिरी कर रही, वो क्यों इनके ऊपर टॉर्चर कर रही, उसको क्या अधिकार दिया, और तुम क्यों उसके घर में वहां पे मीटिंग बुलाते,
और ये भाई भाई कौन है माधव चौद की औलाद जो हमारी बहन को बोल रहा है कि झकमारी करने कुछ भी करो पैसे दो, वो कौन होता है घटी की औलाद जो इनको बोल रहा तुम्हारे घर में मौत भी पड़ी रहेंगी तो हमको पैसे देना पड़ेंगे। ये कैमरे के सामने बोल रहा अगर मेरी मुसलमान बहनों को अगर ऐसा कुछ अगर वो करेंगे ना यहाँ टांगा तोड़ने का काम जफर बिल्डर करेंगे उनके। आरबीआई के क्या यही गाइडलाइंस है क्या कि अगर तुम्हारे पास में पैसे भी नहीं है तो अगर तुम्हारे पास में नहीं है तुम्हारी ताकत भी नहीं है तब भी तुम उनके घर में जाके उनका गल्ला पकड़ के पैसे वसूल करो, ये है क्या गाइडलाइंस? फिर ये ऐसे कौन सी रिकवरी चल रही तुम्हारी है? ये लोगों के पास में पैसा नहीं है, ये तीन लेडीजों का मेरे पास में रिकॉर्ड है, इन लोगों का बोलना है कि हमारे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा, ऐसी गाली के साथ में बात की जा रही कि अब हम फांसी ले लेंगे या जहर खा लेंगे। अगर ये औरतों में से ये जो बहन बैठे हुए यहाँ पे इनके दामाद का अभी हाल फिलहाल के अंदर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है, बरोबर बाजी मर्डर हुआ उनका, उनके दामाद का मर्डर हुआ और तुम्हारे पास रिकवरी एजेंट उनको इतने सख्त अल्फाज में बोल रहे हैं कि बोले मौत भी पड़ रहेगी तो हमको लेना देना नहीं है, अगर उन्होंने फांसी ली है या कुछ करे मैं बता रहा है कि इसकी जिम्मेदारी एक आप रहेंगे, दूसरी वो तबस्सुम रहेंगी, तीसरी वो पिंकी रहेंगी, चौथा वो वैभव रहेगा और पांचवा वो योगेश प्रकाश दलवे जो है ना, ये पांच लोग इनके जिम्मेदार रहेंगे। मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा, तुम कोई सरकारी जॉब वाले नहीं है सर, सुनो ना इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं, मैनेजर से उनसे बात कर लो ना, मैनेजर से तबस्सुम हमारे पास मैनेजर आया नहीं सौ की एक बार, मैनेजर आएगा हम उससे भी बात करेंगे, मेरी बात सुनिए फोन किसका है, मैनेजर आएंगे हम उससे भी बात करेंगे, ये दलाल कौन है, तबस्सुम और पिंकी कौन है ये बोलो मेरे को, इसका जवाब दो पहले मेरे को, तुम भी उसके घर में बैठे हुए थे, तुमने मेरे को ऑन रिकॉर्ड बोले तबस्सुम की घर में मीटिंग ले रहे बोल के, मैं खुद बोली ना मैं वहां पर, तो क्यों उसके घर में क्यों मीटिंग ले रहे तुम, कलेक्शन वो देते ना जमा कर, क्यों देते, क्या है उसके पास में तुम्हारे बैंक का आईडी कार्ड है कुछ, मेंबर उनके पास देते, मेरी बात सुनो, मेंबर का छोड़ दो तुम अभी, वो मेंबर को लालू जी सुन रहे नहीं तुम, सुनी ना 50,000 रूपए दो 5,000 रूपए बढ़ के देंगे, ये बेवा होता कैसे देंगे 5,000 रूपए कमी, बोले नहीं ना हमको इन्होंने हमको, ये तबस्सुम का और पिंकी का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होना नहीं, मैं तुमको पहले बोल दे रहा और तुम्हारे सबको भी बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, अगर अब गट के लिए बैंक के अलावा वो तबस्सुम का और पिंकी का अगर इनको टॉर्चर के लिए या रिकवरी के लिए कॉल आता है मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट करूंगा, और कंप्लेंट हो सकती क्या नहीं हो सकती आपके मुंह से बोलो, हो सकती ना क्यों नहीं हो सकती, अगर आप आएंगे तो ठीक है और आपको भी एक कानून के दायरे में रहते हुए बात करना पड़ेगी, ये नहीं कि तुम हार्ड रिकवरी करेंगे, बिल्कुल मजाक नहीं होगा मैडम, सुनो मेरी बात, कितने कॉल कर, मेरी बात सुनो, कैसी बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बात सुन लो मैडम, लेकिन जहां शरीयत की बात आएंगी ना किसको भी नहीं गिनेंगे, इतनी बात ध्यान में रखो लोग, इस्लाम में बचत गत उठाना जायज नहीं है, और तुम्हारे पुरो को भी बोल रहे क्या जरूरत है तुम्हारे को बचत कर उठाने की, कहीं को उठा रहे तुम, कामा नहीं करते तुम्हारे दूल्हे, एक मिनट तुम्हारे दूल्हे कामा नहीं करते, तुम्हारे दूल्हे को भी शर्मा आने दो ना, हर जुमा को हर मस्जिद के अंदर बयान हो रहा, हर मोहल्ले हर उलमाए किराम जो तो मेंबरों पे खड़े रह के बोल रहे कि बचत गट से बचो, बचत गट से बचो, कई हमारे मुल्क के अंदर कई ऐसे वाक्य पेश आए जहाँ बचत गट ना भरने की सूरत में किस्त के पैसे नहीं जमा होने की सूरत में उनको ओए होटल दिखाया गया, ये जो तुम्हारे जो रिकवरी एजेंट जो रहते ना इतना टॉर्चर करते कि औरतों ने गलत लाइन के ऊपर चले जाना, करिश्मा मैडम आगे से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि थर्ड पर्सन अगर इनको टॉर्चर करेंगे, अभी आप यहाँ से वो तबस्सुम को फोन लगाओ, सुनो ना मेरी बात सुनो, आप तबस्सुम को फोन लगाओ, सुनो ना बोलो, एक अभी समझो ये बोल रहे इनको पूछो इन्होंने एक मतलब 4 से 5 लोगों के लोन क्यों लिए, जब लिए थे तब उनकी परिस्थिति भरने की थी, आज उनकी परिस्थिति नहीं है, आज उनका टाइम करवट ले लिया उसने, आप उनके पास में नहीं है, उनकी शोर बात करने को तैयारी नहीं ना, तुम बात करो ना, शोरों से कुछ लेते नहीं है, शोर भी लगते ना लोन के लिए, वो सब गोलमोल कर देते, वो अभी उनको जो ना लालू जो औरता देते ना वो सब रास्ते बताते उनको कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहने के बाद में भी कैसा पास होगा, हमको मालूम है पूरी लोगों के नाम पे उन्होंने गट उठाया मैडम ने, इन्होंने तो ये महीने में गट लिया है 60,000 का, ठीक है अब नहीं है उनके पास भरने को, फांसी देते उनको, किनको उनको नहीं है उनके पास पैसे, ऐसी बात ही नहीं करा ना किसने, मैंने करी क्या, उसे उनको कैसे वो बोल रहे झक मारने की अल्फाज इस्तेमाल कर रहा तुम्हारा बैंक का आदमी, क्या बोले इन्होंने, इधर आके बोलो, इधर आओ बाजी, इधर आओ, क्या बोले इन्होंने, क्या बोले, एक मिनट ये झाड़ू के भाई के तुम्हारे घर पे बोले पैसे, ये बोल मैडम बोले मैं बैंक तुम्हारे घर की है क्या, बोले तुम पैसे भर रहे थे नहीं दे रहे थे बोले।
मैडम हार्ट रिकवरी मत करो प्लीज। और सर तो हरदम बहन की जगह पे रख के बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात ध्यान में रखो, मेरी भी बात सुनो, मेरी छोटी बहन समझ के बात कर रहा हूँ तुम्हारे को मैं, लेकिन हार्ड नहीं बात हमने देखो यहाँ पे जो है ना, पहली बात तो तुम्हारे जो बैंक के जो कर्मचारी औरतों से रिकवरी करने के लिए आए थे, मैंने हकाला उनको, यहाँ से मैंने निकाला, लेडीज क्या है, लेडीज रिकवरी करने को आने को ना, आप वो तबस्सुम को फोन लगाओ जी पहले, उनका नंबर नहीं है, तबस्सुम लाओ, तबस्सुम का नंबर दो, वो तबस्सुम को लगाओ, पिंकी को लगाओ, ये जो बीच के जो है ना थर्ड पर्सन, इनको आउट करो पहले, और ये जो 3000 जो तबस्सुम ने और पिंकी ने तुम्हारे से जिससे 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 कमीशन ली वो वापिस लो उससे, अब तुम उसको पैसे मांगो, कब लिए वो, अब तुम उसके पीछे बोलो पैसे वापस दे, बोलना हमको बैंक को पूरे पैसे भरने के, मैडम ये क्या है ये, ओ मैडम वो फोन लगाओ, तो बस फोन लगाओ पहले, बोलो नंबर बोलो, मैं तो आपकी स्विच लगाऊं, नहीं नहीं लगाओ, तुम लगाओ, तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे वो, लगाएंगे तुम, हेलो हेलो, हाँ हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे आप, अनिल बात कर रहा हूँ सर, अनिल सर अभी कहाँ है आप, इधर तुम्हारे ऑफिस के पास ही था, वो जब फॉर बिल्डर ग्रुप, आ जाओ इधर 12 नंबर गली के पास में मेन रोड पे ऑफिस है, आ जाओ इधर दुकान के सामने, आ जाओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, कि तुम वाकई में बैंक के लोग है बोल के, बैंक के लोग आपको दिक्कत ये है ना, राउट है ना, पूरा है, नहीं नहीं वेरीफाई करना हमारा काम है ना सबसे पहले, अनिल माधव राव दामेधर, दामेधर अच्छा, तो ये सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो लोगों ने गट उठाए हुए हैं तो इसका रिकवरी का सिस्टम क्या है, अपना है ना तो वीकली, अच्छा उनको जो कलेक्शन देते है लोन देते तो ग्रुप के गारंटी पे कैसे कम से कम 10 मेंबर, तो 10 मेंबर से 30 मेंबर तक कर सकते, वो जो मेंबर है तो पूरा उनका कलेक्शन एक जगह पे आना चाहिए, तो वैसा एक मेंबर कोई तो भी सेंट्रल लीडर नहीं तो कोई भी हो जाते वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे कलेक्शन करते हो, तो ये एक कोई भी लीडर बन जाता उनका, हाँ तो तुम्हारे बैंक की तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर उसको देते होंगे ना तुम, क्या बस जबानी बोल देते उसको कि भाई तू रिकवरी कर इनकी, कुछ तो बैंक से देते होंगे क्या बस ऐसी, ऐसा नहीं, जो अभी जिसके घर पे मीटिंग बैठते ना ये बोलो, हाँ मीटिंग जा भाई बिठा रहे तुम, हाँ अभी यहाँ पे भाईजीपुरे के अंदर एक पिंकी और एक तबस्सुम, हाँ ये जो दो औरता है, हाँ ये दो औरता इनको अगर 50,000 रूपए का गट दिए तो 5,000 रूपए उसमें से कमीशन लेते, सुन लो अभी बीच में बोलने का नहीं, हाँ 50,000 रूपए का गट दिए तो 5,000 रूपए कमीशन ले रही वो, 30,000 रूपए का गट दी तो 3,000 रूपए कमीशन ले रही वो, और खुद रिकवरी एजेंट बन के इनके घर के ऊपर जो है तो जा रही, कभी तुम्हारे ऑफिस के लोगों को लेके जा रही, क्या बोला वो वैभव ने, क्या बोला तुम्हारे को बाजी, बोले झक मारो कुछ भी करो पैसे भरो, कौन है माधर चौध वैभव, उनको तो जॉब तो छोड़ दिया, वो माधर चौध है कौन, वो हमारी बहन को ऐसा बोलता वो, नहीं वो तो आरबीआई के गाइडलाइंस ये चाहिए रिकवरी के लिए, एक मिनट, आरबीआई के गाइडलाइंस ये चाहिए क्या कि तुम किसी महिला से इस तरह से बात करना चाहिए, वो बताए नहीं, अगर रिकवरी के कैसा नहीं बताए, रिकवरी के वास्ते में जो है तो अगर नहीं रिकवरी होती है तो तुम उसको गाली गलौज करो, वैसा हम बोलते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस ये है कि अगर एक औरत का दामाद, अगर एक औरत अगर विधवा हो गई है उसका मर्डर हो गया है तो उसको ये बोलो कि तुम्हारे घर में बहुत होंगी हमको लेना देना नहीं पैसे भरो, वैसा किसको बोला है वो तबस्सुम इनको बोलती है कि बोले कुछ वैसा, हम देखो सर हम जो लोन देते है ना तो उसके लिए इंश्योरेंस भी है, ठीक है दो प्रकार का इंश्योरेंस है, अगर किसी का समझो जो उनानी हो गया, अगर किसी का इंतकाल हो गया सूखे दुखे, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है 10 दिन एडमिट है तो 10 दिन का 10,000 रूपए आपके कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है उनको, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस नहीं, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उनको भी जितने आप तो समझो 1,50,000 रूपए लोन लिया है उन्होंने 30,000 रूपए पूरे भरे है रिटर्न, ठीक है तो उन्होंने 30,000 रूपए भरे तो मुद्दा रकम जो रहेंगे ब्याज छोड़ के समझो 25,000 रहेंगे 27,000 रूपए रहेंगे वो पूरे पैसे और रिटर्न उनको मिल जाते हैं उसमें से, व्हाइट कलर अभी ये इनका ये दामाद का मर्डर हुआ, हाँ उसके बावजूद उनके उसके डेथ के बाद भी इनसे हफ्ता वसूल किया गया, वो तो नहीं हम तो नहीं, उसका जवाब दो यार अनिल भाई, इनके दामाद का मर्डर हुआ वो मर्डर के बाद में भी इनसे रिकवरी की गई, अब तुम बोलते तो फायदे किनारे, ये देखो सर हमको अगर उन्होंने बता दे दो मेरे को, ठीक है अच्छा अभी मैंने बता दिया, हाँ तो उनके पास अगर अभी मैंने बता दिया तुमको, हाँ उनके दामाद का मर्डर हुआ वो डेथ सर्टिफिकेट जमा करा दी, ठीक है उनको अगर वो कितने साल हो गए मैडम आपको लोन लेके, अभी लोन चालू है ना, कितने साल का आपका लोन, कितना हफ्ता भरते हैं आप, 870 तो 41,000 रूपए लोन मिला होगा आपको, नहीं ये सूर्यदेव का,
नहीं सूरज एक नहीं मैडम है अपना अपना आईडी से बैंक पिंकी पिंकी यहाँ क्या चाहे वो पूरे या भाई जी पूरे कुछ नहीं सर अभी ना इंश्योरेंस का बोले हमारे शहर का पेशा हुआ था घाटी में थे मैं दस दिन पे हमारा इंग्लिश पास है ना हाँ इनका पास मैं आपको मैं स्कूल जमा कहीं बिल्कुल एक रुपया भी नहीं मिला मैं डॉक्यूमेंट मेरे मैं भी दवाखाने में थी मैं भी दस दिन दवाखाने जिसके टाइम पे तो उसके टाइम पे मेरे को इंश्योरेंस नहीं मिला हमारे डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट तीन तीन बार जमा करे और ना मेरे शौहर के टाइम का मेरे को इंश्योरेंस मिला ना मेरे बच्चे टाइम का इंश्योरेंस मिला और हम पैसे भर रहे हम आखिर तक घटा भर रहे फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हालांकि हम भर रहे ना हमको कहा इंश्योरेंस मिला फिर हमको नहीं मिला इंश्योरेंस दो टाइम लगे मैं डॉक्यूमेंट्स मैंने दो टाइम डॉक्यूमेंट जमा कर दिए देखो ये तुम्हारी धांधलबाजी सबसे पहली बात एक फाइनल बात कर रहा मैं अभी यहाँ पे कोई जेंट्स ने रिकवरी के लिए इनके पास में आना नहीं हाँ। अरे मैं तुमको वीडियो बताऊं मैंने यहाँ से निकाला उनको जेंट्स को वो जो बोला ना आपने अभी तुम आपने यहाँ पे एक आईडीएफसी का लोन नहीं यहाँ पे सर बहुत सारे बैंक किसका भी हम दो जी भाई किसका भी हम दो कोई फर्क नहीं पड़ता आईसीआईसीआई का रेंदो आईडीबीआई का रेंदो एचडीएफसी का रेंदो या एसबीआई का रेंदो पहली बात तो तुम प्राइवेट लोग है प्राइवेट है सर लेकिन बचत गट चला रहे तुम बचत गट के नाम पे लोन दे रहे हो सबसे पहली बात ये है तो बचत गट के नाम पे ना सर आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से दे रहे ना सर आप तो क्या गाइडलाइंस ये गाइडलाइंस है थर्ड पर्सन बीच में जाके रिकवरी एजेंट बन के काम कर रहा जो भी आप उसको फोन लगाओ पहले वो तबस्सुम को फोन लगाओ अभी उसके घर पे मीटिंग दी थी मैडम मेरे को वही बुला रहे थे उधर आ जाओ बोले मीटिंग तो देखो हम जो मेंबर है इतने सब वो लगाओ पहले अपन बाद में बात करते हैं वो तबस्सुम को फोन लगाओ वो तबस्सुम ने इन तक के जाना नहीं अब मेरी बात सुन लो वो तबस्सुम ने और पिंकी ने इन तक के जाना नहीं अभी लगाओ यार फोन नंबर बोलो उसका हेलो हाँ सर बोलो कौन बोल रहा हाँ मैं अरे बात कर रहा हूँ बोलिए कौन तबस्सुम का दूल्हा है क्या तू क्या बोले तबस्सुम का दूल्हा है क्या तू हाँ तो ये क्या बोलने का इसको ये इनका रोल बीच में से खत्म कर अभी के अभी ये लोग यार इसकी औरत ने जाना नहीं इनके पास में फोन एंड के लिए रखो इधर रखो यहाँ हाँ ये इधर तो ऊपर बिल्डर है ना वो इनके ऑफिस में थे आओ ना इधर आओ ना हेलो तुम्हारे को इसके पहले बोला था मैंने ये गड़बड़ यहाँ पे चलाना नहीं तुम्हारी औरत का क्या काम बनता भाई तुम्हारी औरत 3,000 रुपए 30,000 रुपए उठा के दे रही 3,000 रुपए का कमीशन ले रही 50,000 रुपए उठा के दे रही 5,000 कमीशन ले रही नहीं तो आदमियों को भेज रही उनके घर पे हाँ नहीं नहीं सुनो ना पहले बहुत इज्जत से समझा के बोला था सुनो तो सही मेरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि इन्होंने क्या करे अपने इन्होंने जो है तो बोले जफर भाई ने बोले बोले कि हमको घट भरने के नहीं है अरे तुम्हारी औरत ये सब कर रही क्यों काय का ये घटा क्यों दिला के दे रही तुम्हारी औरत तुम्हारे घर में मीटिंग क्यों बिठा रहे तुम नहीं तो रिकवरी एजेंट है क्या नहीं तो जब से तुमने बोले ना जब से अपन ने बंद कर अरे यार ये औरत को तुम्हारी औरत बोलती झकमरा कुछ भी करो पैसे लाके दो ये इनको बोलती तुम्हारा बाप है क्या मेरा बाप है बोले तुम्हारा दूल्हा है क्या मेरा दूल्हा है बोले वो घट के पैसे भरना पड़ेंगे नहीं तो आप ही उनका फोन तुम्हारी औरत से मैंने थोड़ी देर पहले बात करे तो करिश्मा बन के बात करनी थी तुम्हारी औरत बोले मैं करिश्मा बोल रही बोले भाजी बैठे वहाँ पे करिश्मा भाजी से बात करे तुम्हारे अरे मेरे पास में रिकॉर्डिंग है उनको सुनाया मैंने वो कुछ शर्मिंदा हो गए क्या हो बोले उन्होंने गलत बात करे बोल के बोले नहीं तो उन्होंने असल में कैसा है उन्होंने जो पहले उठाए बिना एक औरत से दूसरे औरत से उन्होंने पैसे उठाए तुम्हारी औरत ने ये सुन लो मैं तुम्हारे को बोल दे रहा क्या नाम तुम्हारा बोले मेरा नाम आरिफ है आरिफ भाई अब आज के बाद ये पूरे औरत बैठे हुए ये बैंक वाले बैठे हुए तुम्हारी औरत ने एक ही नहीं घर पे जाना नहीं पैसे मांगने को नहीं तो अपने उनको बोल दी ना तुम तुम्हारे नहीं वो बोल दिए कर दिए वो सब गधी की गांड में गया आज का बता रहा मैं तुम्हारे को आज के बाद तुम्हारी औरत ने एक ही घर पे जाना नहीं ये यहाँ पे एक बाजी बैठे हुए बोल रहे मैं आज का आज फांसी लूंगी तुम्हारी औरत ने इतना टॉर्चर कर दी मेरे को अगर उन्होंने उनकी जान का कुछ हुआ ना तुम्हारी औरत पिंकी वो प्रकाश योगेश प्रकाश और वैभव और ये करिश्मा मैडम ये पांच लोग इसकी जिम्मेदार रहेंगे ये बात याद रख लेना तुमने ये दोनों तीन औरतों में से होने का कुछ करा तो मैं तो जफर भाई पिंकी का हमारा सवाल ही नहीं है कुछ तुम्हारा सवाल नहीं है लेकिन पिंकी के भी जी पिंकी से भी जो पिंकी भी जो दलाली करते फिर रही ना उसके भी वास्ते में लोग यहाँ पे आके बैठे वाले है अच्छा अच्छा तो ये पांच लोग अगर ये औरतों को अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये पांच लोग रहेंगे जो हार्ड रिकवरी कर रहे औरतों को जो ऐसे ऐसे इतना प्रेशर डालते नहीं कि औरतों ने गलत कामों के अंदर चले जाना तुम्हारी औरत तुम मुसलमान कौन है यार तुम्हारी औरत पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है क्या नहीं नहीं है बात सब अरे क्या कंट्रोल है तुम्हारे घर में मीटिंग आ रहे 5,000 5,000-3,000 रुपए कमीशन ले रहे कंट्रोल रखो ना औरत के ऊपर मेरी औरत काट के फेंक डालता था उसका ऐसी हरकत है कभी करनी तो
तो सुनो तो सही मेरे बात, ये आज से नहीं 12-13 साल से चढ़ा था। ये क्या करते मालूम है, पैसे लेते हैं, पैसे घटो से पैसे बोलो इनके, तुमको साथ में रहते हैं, बोलो साथ में रहते ना भैया, तुमको साथ में रहते भाभी के मालूम है, तुमको भी मालूम है ना भैया, तुमको भी मालूम है, तुम भी साथ में आते ना। अभी तो बोले ऑनलाइन मार दो, बोले भाई पैसे घर पे नहीं आ रहे। क्यों तुम तो बोल रहे थे अभी, अभी तुम खुद जाते हो औरत के साथ में पैसे जमा करने को। हम घर पे जाते नहीं, हम किसी के ये और बोल रहे अगर कभी नहीं दिया पैसे घर पे आते साथ में चलो। खुद का घर है, किराए का घर है, वहाँ पे किराए का घर है अपना, ठीक है किराए का ना खाली करो वहाँ से। ये ऐसे लोग हमारे को महल्ले में होना नहीं, हमारे तुम्हारे घर मालक से मैं खुद बात करता अभी आज के आज, ठीक घर खाली करो वहाँ से। अरे हेलो हेलो, हाँ बोलो, ये बोलो इसको, बोलो अब ये बीच में रहना नहीं, नहीं बोलो इसको। हेलो हाँ आप है ना, क्या करो तुम, तुम्हारे पैसे ना तो मैडम को भेज दो, ठीक है नहीं तो तुमको QR भेजेंगे बैंक का ही, ठीक है। नहीं 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 नहीं, उनका उनका जो उनके नाम पे उनका उनका खुद का उनसे रिकवरी करो, ये लोगों के पास रिकवरी जाना नहीं, ठीक है तो आप आपके करके दे दो, ठीक है। इसके बाद में लोग है तो इनका एक करेंगे, तो जो ये तो उनका खुद के करेंगे, ठीक है मैडम के पास। तो सुनो तो सही, मेरा उद्योगी सर आप सर ने सामने क्या बोले तुम्हारे सामने, हाँ ठीक है घट का सवाल, मेरे घट के पैसे मैं देने को तैयार है, ठीक है ना, की जिम्मेदारी तुम, हाँ ठीक है ना चलेगा ना। हाँ मेरा घट जो है मेरे घट के पैसे लिया करो, बाकी तुम औरतों के पास में जाओ या मत जाओ मैं वो ले देना, ठीक है ना चलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तरीन साथियों, औरंगाबाद अपडेट चैनल के जरिए से मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जैसा कि आपने अभी जो वीडियो के अंदर तमाम हालात देखे हैं, इन हालातों के जिम्मेदार भी हम खुद हैं, हमारे घर के मर्द हजरात हैं। अगर हमारे घर के मर्द हजरात सही होंगे तो औरतों को बचत गट लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बचत गट की वजह से हमने देखा है कि कई औरतें जिस्म फरोशी के धंधे के अंदर उतर चुकी है, जो कि सरासर गलत बात है। बारहा मस्जिदों से उलमा इकराम मिंबरों से खड़े होकर ऐलानात कर रहे हैं, बयानात कर रहे हैं कि बचत गट से बचिए, लेकिन उसके बाद भी देखा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका औरतों का, खवातीन का बचत गट की तरफ रागिब हो रहा है। इसके अंदर होठ भी अपने हैं, दांत भी अपने हैं। बचत गट की लालच देने वाली औरतें हमारे पड़ोस में रहती है, जो बचत गट की लालच हमारे औरतों को देती है और कहती है कि 30,000 रुपए का लोन उठाइए, 50,000 रुपए का लोन उठाइए। उनके 3,000 और 5,000 कमीशन के चक्कर में ये औरतों को जो है तो गलत दिशा के अंदर लेके जा रही है। इससे बहुत परहेज करना चाहिए और औरंगाबाद शहर और जहां जहां तक कि औरंगाबाद अपडेट चैनल का ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने एरिया को खुद संभाले, अपने एरिया के अंदर जायजा ले कि हमारे एरिया के अंदर बचत गट कहां चल रहा है। इस जगह पे जाके उनको जागरूक करने का काम कीजिए और ऐसे लोगों से कहिए कि हर जुमा के अंदर मस्जिदों में बयानात हो रहे, बचत गट लेना इस्लाम से जायज नहीं है। और बचत गट ले रहे भी कई के वास्ते में सामने बातें ही आ रही है, किसी के वहां चिल्ला है, किसी के वहां छट्टी है, किसी को फोन उठा रहा है, ऐसी चीजों के लिए बचत गट ले रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे चीजों से परहेज करिए और अपने एरिया के अंदर अपन खुद ध्यान रखिए, हर गली के अंदर जाइए, इस चीज को आम कीजिए कि बचत गट लेना किसी भी सूरत हाल में जायज नहीं है। आज एक वाकया मेरे सामने, इतना शर्मनाक वाकया मेरे सामने पेश आया है कि मैं इस चैनल के जरिए आप लोगों तक की बात को पहुंचा नहीं सकता कि बचत गट के पैसे नहीं भरने की सूरत हाल में औरतों ने किस हद तक ये कदम उठाना जरूरी समझा है। ये औरतों ने खुद आकर मेरे पास में बोला है कि भाई हमारे साथ में ऐसे ऐसे वाकये पेश आ रहे हैं और बराए मेहरबानी हमारे नाम मत आने दीजिए, हमको कैमरे पर मत आने दीजिए। मैंने कहा कि बहन आप इस चीज से बचिए और जो बीच के जो लोग दलाली कर रहे हैं, ये दलालों को सबसे पहले हटाने का काम है। हर एरिया के अंदर जहां ऐसे दलाल होंगे जो बचत गट की तरफ औरतों को लेके जाते हैं, इनको पहले इज्जत से समझाइए, कानून के दायरे में रह के समझाइए। नहीं अगर इनके फिर भी समझ में आता है तो आपको जिस जबान में समझ में आता है उस जबान में समझाइए। और तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, क्या हो कुछ आज इंदिरा नगर भाईजीपुरी के अंदर ये वाकया पेश आया है कि जो माँ बहने यहाँ पर आकर बैठी थी, इनका कहना यह था कि जो बचत गट उठा रहे हैं इनके बीच के लोग और रिकवरी एजेंट जो HDFC बैंक की तरफ से आए थे, एक बहन के दामाद का इंतकाल हुआ है, उनकी बच्ची ने गट उठाई थी, उनके इंतकाल होने के बावजूद भी उनको जो रिकवरी करने वाले ये कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में मौत हो तो कुछ भी हो हमको हमारा पैसा भरना जरूरी है। दूसरी बोल रही है कि तेरा बाप था क्या, मेरा बाप है, वो बचत गट के पैसे ली थी तो देखो बचत गट के पैसे भरना पड़ेगा। तीसरा एजेंट उनको फोन के ऊपर ये बोल रहा औरत को कि तू झकमारा कुछ भी कर उधर तू, और दूसरे भी अल्फाज इस्तेमाल किया लेकिन हमको लाके पैसे दे। तो इनके घर के मर्द क्या सो रहे हैं क्या,
इनके घर के मर्दों की मर्दानगी मर गई है क्या कि तुम्हारे घर की औरतों को इस तरह से कोई आगे जलील कर रहा है, तुम्हारी चौखट पे खड़े होकर दुनिया की बातें कर रहा है और तुम जो है ऐसी नामर्दानगी का मुजाहिरा पेश कर रहे। मैं समझता हूं कि ऐसे मर्दों ने चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। अगर चुल्लू भर पानी नहीं मिलता होगा ना तो हाथ के ऊपर थूको और नाक में जोर से उसको खींच लो ताकि तुम्हारी मौत हो जाए। इस तरह से अगर कुछ मसले पेश आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अस्तिन चला लेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो तो चाकू निकाल लेंगे, तलवारें निकाल लेंगे, डंडे निकाल लेंगे, लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है ये नहीं देखेंगे, औरतों के साथ में क्या मामला पेश आ रहे हैं ये नहीं देखेंगे। खुदारा इस चीज से बचिए नौजवानों, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत ज्यादा अदब के दर्जे में आपसे कह रहा हूं नौजवानों, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को इसके रोकना चाहिए। तहकीक करो, जहां कहीं भी ऐसे लोग हादसे पेश आ रहे हैं इनको रोकिए। खास करके अपने अड़ोस पड़ोस में जो किराएदार लोग है, वो किराएदार लोग इस तरह की हरकत करते हैं, तमाम औरतों को जमा करने का काम करते हैं, बैंक वालों को बुला के अपने घर में मीटिंग करते हैं। तो ऐसे जा किराएदार है इनको खाली करवाओ। आज बैजीपुरे के अंदर एक तबस्सुम नाम की जो लेडीज है ये बहुत ज्यादा औरतों को परेशान करने का काम कर रही थी, औरतों से कमीशन ले रही थी, किसी औरत को एक बहुत के तरह तरह के लालच दे रही थी। हमने बैंक वालों को बुला के उसका जो बीच में जो दलाली कर रही थी उसका रोल खत्म करे। आप भी अपने एरिया के अंदर ये जो बीच के दलाला है इनका रोल खत्म करो। जजाकल्लाह खैर।